हेलो, कहाँ हो तुम लोग? मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। पहुँच रहे हैं यार, सर ने बोला दो पैग लगा लूँ, बस उसी में से तीसरा लगा रहे हैं। जल्दी आओ यहाँ, बस निकल रहे हैं। तब तक तू नेगोशिएशंस के बारे में कुछ पढ़ ले। या आई हैव गॉट माय बुक्स। जैसे ही मालूम चला उनको जगमोहन सिंह आपका वकील है, साइन हो गया। मालूम है ना, बंदे से पंगा लेने का कोई फायदा ही नहीं है, तो क्यों लेना पंगा? भाभी मैंने इतनी शादियां तुड़वाई हैं, इतने डिवोर्स करवाए हैं कि अब तो लोग हमारी फैमिली को भी ना शादियों में बुलाने में जो है कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन ये हाँ कि कहीं जगमोहन जी तो नहीं आ रहे हैं। समझते हैं हमें। डिमांड्स की बात आप करेंगे या हम? कौन सी डिमांड? ये अरे आप तो भूल के भी मत करना, दो मिनट में पिघला देगा आपको। भोली हैं आप वैसे भी, क्या 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 ले क्या रही हैं आप? आगे क्या चाय? जीजा जी ज्यादा लेट तो नहीं हो गए हम? अभी भी कोई चेंज नहीं है ना तुम में? है ना, गाड़ी खड़ी करके आए। अरे बैठिए आप, गाड़ी वॉच में लगा देगा जीजा जी। चेंज तो है, जब तक तुम मेरे पास थी मैं दिन में कब पीता था? एक्चुअली होटल से निकलते हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्लाइंट मिल गए थे, वैसे पीने का कोई प्लान नहीं था। प्लीज आप इनकी वकालत मत कीजिए। वो तो करनी ही पड़ेगी, एडवांस में फुल पेमेंट की है इन्होंने। आप काम पे भी पी के आते हैं? साला साहब फरमाते हैं काम पर पी के आता हूँ, कोई साला ये नहीं कहता, पीकर भी काम करता हूँ। इफ यू डोंट माइंड। सर जी क्या है ये, हर महीने 3 लाख? आपके लिए तो कुछ भी नहीं है मतलब? 3 लाख की तो ये दिन में शॉपिंग कर लेती हैं। मैं अपना एटीएम कार्ड ही इनके हवाले कर देता हूँ, कार ये रखेंगी? हाँ तो कर दे रही ना आपको सर जी। ओए ये रहेंगी कहाँ? तू इनका वकील है या मेरा वकील है? रहन दो अजीत, तुम अभी होश में नहीं हो। ठीक ही तो है, वरना जमाने से क्या कहूँगा, मैंने अपनी बेअंत को होशो हवास में खो दिया। चल दूं कर मालूम को। सिंस द पेटिशनर नंबर 1 बेअंत कौर एंड पेटिशनर नंबर 2 अजीत सिंह हैव अप्लाइड फॉर डिवोर्स विद म्यूचुअल कंसेंट, द कोर्ट गिव्स देम अ पीरियड ऑफ 6 months टू स्टे सेपरेट। If after the 6th month both the petitioners continue to demand divorce with mutual consent, the court will grant them so. Chal dun kar malko. Beta ji, ab to 8 mahine khatam hone ko aaye hain na, samajh rahe hain na, kitne acche rishte mana kar chuke hain hum. Aaj main iski wajah se yahan hu. कान खोल कर सुन लो, जिसकी पहले नहीं चली उसकी दूसरी भी नहीं चलेगी। पापा मैं भी तो आपकी दूसरी औलाद हूँ, भैया जैसे भी थे, क्या आपने मुझे प्यार करना कम कर दिया? कोई नहीं है। चुप। जो बंदा 6 महीने से अपनी बीवी का बिचौलिया बन के घूम रहा है, उसे आप अपनी बेटी देंगे? मेरी बात मानते जिसमें से इसकी शादी करा देते तो अब तक मैं कैनेडा में होता। कब से सुन रहा हूँ तेरी, अगर तूने कैनेडा जाना है तो अपने दम पे जाना। तमीज से बात कर। मैं एक बदतमीज से बात कर रहा हूँ और सही तरीके से कर रहा हूँ। आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं? आपके बेटे को उसी के घर में बोलेंगे? ना बोलूंगा ना, मैं बोलूंगा, तू चुप करेगा तो बोलूंगा ना। बोली। परे हो इसकी बातों का बुरा ना मानना बेटा, ये तो देखो हमें आप पर पूरा भरोसा है, है? आप कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। जी ये लीजिए, पूरा पीना है आज। अरे एक बात बता, मेरे मन में जो एक साथी की चाह रहती है, कंपेनियन। कंपेनियन ऐसे होता ना, ऐसे दो लोग पार्क में बैठे हों, सामने सूरज ढल रहा, घंटों तक पास पास बिना कोई बात के बैठे रहे बस। अच्छा, जैसे फ्रेंड जो क्रिकेट खेलने के बाद भी हमारे साथ घंटों तक पार्क में बैठा रहे।
मैं बहुत बड़ा हो गया, इतनी गहरी बात समझ गया। निशा तू बड़े दिनों बाद यहाँ दिल्ली से आई। हाँ यार, अच्छी भली मैं दिल्ली में थी, मेरी सास मुझे दिल्ली से बुलवा के कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पोता दे दे। अरे उसको बोल जितना टाइम स्पेंड तू दिल्ली में करेगी ना अपने हस्बैंड के साथ, उतने ज्यादा चांसेस है उसके दादी बनने के। वैसे कमाल है यार, तेरी सास अभी भी जिंदा है। इलाज करते करते दो डॉक्टर गुजर गए पर उसे कुछ नहीं हुआ। तेरा सही है यार, न सास की सेवा न पति की झिकझिक। वो तो है। अरे वो देखो अजीत सिंह, कल ही इसकी बीवी से छोड़ के चली गई और आज ये यहाँ खुशियाँ मनाने आ गया। क्या यार, ऐसे आदमी को कोई कैसे छोड़ सकता है, पीता बहुत है। अगर मेरा हस्बैंड इतना कमाता हो ना तो सच में पूरे घर को बार बना दूं। बॉय गेट मी टू। आज यहाँ कैसे बुलाया? सोचा तेरे पैसों से तुझे भी ऐश करवा दूं। वैसे इतने दिनों से किसी को लेकर क्यों नहीं आया? थक गया हूँ यार, सब पहचानने लग गए हैं, देखते ही बोलते हैं भागो बीवी वाला आ गया। तू लाता भी तो शहर के सबसे बड़े निकम्मू को है। अब तेरा प्रिंस चार्मिंग कहाँ से ढूंढ के लाऊं? अजीत जी के बारे में तेरा क्या ख्याल है? वो क्यों ढूंढेंगे तेरा प्रिंस चार्मिंग? वो भी डिवोर्सी हैं, उनसे क्यों नहीं चला था मेरी बात? ओए औकात में रहे अपनी, जानती है कितने बड़े आदमी है वो, 4-स्टार होटल मॉडल टाउन में कोठी। अरे बोर हो जाते हैं तो नहीं गाड़ी ले लेते हैं। और तू उनसे बस कर, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। कम से कम अपना और उनकी एज का डिफरेंस तो देख। तू मेरी एज का था, तेरी से शादी करके क्या मिल गया? देख राजबीर, बात सीधी है, अगर तुझे गुरप्रीत से शादी करनी है तो मेरी और जीजी की बात चला बस। पागल हो गई है तू? क्यों क्यों? हाँ तो इसमें पागलपन वाली कौन सी बात है? गुरप्रीत नेहा जीत सर के साथ शादी के सपने देख रही है, इसमें पागलपन वाली कोई बात नहीं है। नहीं, कैसी लड़कियों से प्यार होता है मुझे। तू क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि तू अंडर रिएक्ट कर रही है राजवीर, दिस इज 21st सेंचुरी, किसी को किसी से भी प्यार हो सकता है। तो तुझे लगता है कि नेहा अजीत सर से प्यार करती है, वो उनका पैसा देख रही है। तुझे उससे क्या, तेरी भलाई नेहा की शादी में है, वजह चाहे जो भी हो, तू इतना सोच मत, बस सर को पटा। सर एक बात कहूं? सर बेअंत मैडम को ऐसे आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। सर अब आगे फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा? फ्यूचर के बारे में एक बार बचपन में बाबूजी ने पूछा था, तब नहीं सोचा, अब क्या सोचना है। पर सर कोई ना कोई तो चाहिए ना जी साथ चलने वाला। बात सुनो, कहीं तेरी वो गुरप्रीत तो तुझे छोड़कर नहीं चली? नहीं नहीं सर, मैं अपनी नहीं आपके बारे में बात कर रहा हूँ। सर अकेले जीना मुश्किल हो जाएगा जी। अकेला कौन है यार, मेरी बेअंत है, 2-4 दिन में मन मिटा हो जाएगा, चली जाएगी। और तुझे क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं सर, मेरा कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी बर्बाद है। चीयर्स। चीयर्स। तू अपने डैडी को बोल के उस कनाडा वाले लड़के को हाँ बोल दे। यार तू इतनी जल्दी क्यों हार मान जाता है? अरे यू शुड बी हैप्पी कि तेरी सारी बातें सुनकर सर तुझसे नाराज नहीं हुए। यही तो बंदे की प्रॉब्लम है, सर तो किसी से नाराज ही नहीं है, वो तो बेअंत मैडम तक से नाराज नहीं है। उनके हिसाब से तो अगर सुबह का भूला 6 महीने के बाद भी घर लौटे ना, उसे भूला नहीं कहते। बता क्या करूं, नेहा अजीत सर से शादी करना चाहती है, अजीत सर सोचते हैं कि मैडम वापस आ जाएंगे, बता क्या करूं। लड़कों की यही प्रॉब्लम होती है, जब तक लड़की को कोई दूसरा नहीं मिल जाता उन्हें यही लगता है कि वो वापस आ जाएगी। सही कह रही है तू, अगर मैडम को कोई पसंद आ जाए ना तो सर किसी के बारे में सोचेंगे। पर ये आसान नहीं होगा, इस उम्र में मैडम को वही पसंद करेगा जो बहुत डेस्परेट हो, कंपेनियन ढूंढ रहा हो। जी आपका नाम बेअंत कौर है? नहीं, क्या काम है? जब नाम बेअंत नहीं तो काम क्यों जानना चाहती है? ये हाउस नंबर 111 है। हाँ जी। ये बेअंत कौर का घर नहीं है। नहीं जी, वो यहाँ नहीं रहते। वैसे वो रहती यही है। मैडम पहले आप डिसाइड कर लो। एक मिनट। सर सर मैडम आप प्लीज उन्हें बुलाइए। बेअंत बहन जी आपके लिए पुलिस आई है। जी कहिए, आप बेअंत कौर हैं? जी नहीं, कहिए क्या काम है? भाई बेअंत कौर से काम है। जी मैं बेअंत का भाई बलदेव। जी इंस्पेक्टर जी। आपका नाम क्या है? बेअंत।
बेन जी आप यहीं रहते हैं? जी। दरअसल हमें फोन आया था कि आपके यहाँ पर कार चोरी हो गई। पता क्या बताया? आपको अपने घर का पता नहीं मालूम? जी एक्चुअली ये अपने डिवोर्स के बाद यहीं रहती है, अब तो यही इनका पता है। इनके डिवोर्स से हमें क्या लेना देना? हाउ रूड। ओ बुलविंदर, ओ यार ऐसे बात करते हैं क्या? आप बाहर जाके वेट करो। आज बाहर वेट करूं, कल अंदर सब्जियां लेके जाऊं? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि मैं पुलिस की नौकरी कर रहा हूं जब मोहल्ले की कर रहा हूं। हाउ ट्रेजिक। दरअसल कई बार ऐसे लगता है इंस्पेक्टर ये, पर इंस्पेक्टर साहब यहाँ कोई चोरी नहीं हुई, शायद हमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। लेकिन कोई नहीं, इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई, कभी जरूरत पड़े आपको तो ये मेरा कार्ड है, इंस्पेक्टर राकेश। ओके, मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू मैम। तुम लोगों का सही है भाई, थानों में कम मोहल्लों में ज्यादा दिखते हो, इधर कैसे? अब तो कुछ दिनों तक इधर ही देखा करेंगे भाई, जनाब को फिर से इश्क होने वाला है। क्या बात है, पर तुझे कैसे पता? वो देखो कैसे रोमियो बने आ रहे हैं, यही है जनाब की इश्क वाली चाल। अर्ज किया है, इश्क की चक्की चली, एक दाना फंस गया। अरे जनाब फंसे तो फंसे, सारा थाना ही फंस गया। और आज भी राकेश जी, भाई क्या हाल चाल? बहुत अच्छे राकेश जी, यहाँ कैसे, कोई मर्डर वर्डर हो गया क्या? कुछ नहीं, गाड़ी चोरी की रिपोर्ट थी यार यहाँ पे, यहाँ से निकल रहा था तो मैंने सोचा देख ले। अच्छा। रिपोर्ट भी साली गलत। अच्छा, वो आजकल के लड़के भी ना जी, बस अपने मजे के लिए पुलिस तक को नहीं छोड़ते। लड़के होते तो कान के नीचे ना बजा देते एक। लड़कियाँ थी फिर किस बात की परेशानी, आपकी लाइन में ये मौका बार बार नहीं मिलता जी। ओ ठीक है यार, चल भी। राकेश जी अच्छी नहीं लगी? और लगा लेंगे धीरे धीरे। स्टार्ट कर भाई। ओए होले होले हो जाएगा प्यार बलिए। चल भाई। झूठी कंप्लेंट काम करी गई। साहब आपका एक चाहिए जी। दो रख। बैठ। हाँ जी बैठ। मैं चाय पी? नहीं सर, मुझे ना जी कचहरी की चाय स्वाद ही नहीं लगती। मजाक छोड़ भगवान, ये बता धंधा कैसा चल रहा है? धंधा अच्छा सर, चाय का क्या होता है जी, इसका कोई सीजन थोड़ी होता है कि आप चलना तब नहीं चलना चलती है। ये नहीं, वो तेरा दूसरा धंधा। चोरी? चोरी वो धंधा छोड़ दिया साहब जी मैंने, अब नहीं करता जी। मेरा एक काम है, करेगा तो 5,000 दूंगा। कैसा काम है साहब? अरे भलाई का काम है, किसी की चोरी की हुई कार पुलिस स्टेशन छोड़नी है। ठीक है साहब जी, कर देंगे। पर एक प्रॉब्लम है यार। हाँ जी। वो कार चोरी भी तुझे ही करनी है। एक मिनट साहब जी, आप मुझे चोरी करने के लिए बोल रहे हैं? ना, चाय बनाने के लिए कह रहा हूँ। अरे बेवकूफ, ईमानदारी से आजकल होता ही क्या है? नहीं दिक्कत वो नहीं है जी, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं चोरी की हुई कार खुद ही पुलिस स्टेशन छोड़ने चला जाऊंगा ना जी, तो मतलब मुझे वो जेल खाने की बजाय पागल खाने भेज देंगे। देख इससे आगे की स्टोरी मैं तुझे बता नहीं सकता, ये रहे पैसे, अगर करना है तो। नहीं सर जी, काम तो कर दूंगा, लेकिन मैं पता क्या सोच रहा था कि चोरी की हुई कार बेच देते हैं, मुझे आप 5 की बजाय 10 दे देना, बाकी सारे पैसे आप रख लेना। ये रहा गाड़ी का नंबर और घर का एड्रेस, कार चोरी करके सीधा मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन छोड़नी है। ठीक है साहब जी, हो जाएगा। कर पाएगा? कमाल कर रहे हो, भगवान ने तो आज तक अपनी चाय में भी अपने पैसे से दूध नहीं डाला, कभी चोरी का ही होता है।
हेलो हेलो राकेश जी, मैं बेअंत का भाई बलदेव सिंह बोल रहा हूँ। कल आप आए थे ना हमारे घर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कैसे हैं आप? जिस आदमी ने आपको फोन किया था ना कार चोरी के लिए, उससे गलती हो गई। चोरी से एक दिन पहले ही फोन कर दिया बेचारे ने। पर चोर बड़ा खुद्दार दिखला। हाउ कमिटेड, आपकी गाड़ी चोरी हो गई? जी हाँ, इस बार कंफर्म्ड है। वाह जी वाह, बहुत। नंबर नोट करवाइए, लिखिए PB08AX3456। हाउ स्ट्रेट। ओके जी, थैंक यू।